पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नैनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लटपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता, नम्र स्वभाव। तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन करोगे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो।